नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम आज एक बार फिर से आपके ही भेजे गए सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। किसी का सवाल आया था कि अगर चलते चलते अचानक से छाती में दर्द होने लगे, सीने में दर्द होने लगे, तो क्या उसे हार्ट अटैक मान लेना चाहिए, और अगर नहीं तो अक्सर जो रह कर चेस्ट में पेन उठता रहता है उसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो कि बिहार के सभी जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक है, साथ ही साथ पटना के मेदांता हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और HOD हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने सुना ही मेरा सवाल कि अगर चलते हुए अचानक किसी को चेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है तो क्या इसे हार्ट अटैक मान लेना चाहिए? बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि सब जितने भी चेस्ट पेन होते हैं सारे हार्ट अटैक ही होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सिम्टम है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी। खासकर 20-25 साल से उम्र के ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, बिल्कुल किसी 8-10 साल के बच्चे को होता है तो वो अलग बात है, लेकिन 20-25 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं, खासकर अगर आपको चलने से तकलीफ हो रही है छाती में, तो ये एक खतरे की निशानी है और ये हार्ट अटैक में बदल सकता है अगर ये हार्ट अटैक नहीं है, तो इसको आप कृपया कर इग्नोर ना करें। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल जाएं, दिन हो या रात हो। एक हमारे यहाँ बड़ी मुसीबत है कि लोगों को लगता है कि अरे 10 बजे रात हो गया है, अब कहाँ जाएंगे, कहाँ डॉक्टर मिलेगा। हर जगह अस्पताल मौजूद हैं जहाँ ECG संभव है, कुछ ब्लड टेस्ट संभव है। प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें, इग्नोर करने से ही मुसीबतें उठती हैं। अगर आप इग्नोर ना करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपकी जान बच सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल यहाँ ये भी है कि अगर किसी को 10 कदम चलने में भी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही हो और छाती में दर्द होना शुरू हो गया है, तो ये क्या साइन हो सकता है, ये क्या अलार्मिंग सिचुएशन दिखा रहा है? एक चीज़ आप बिल्कुल समझ लें, जो बहुत ही जिसकी अहमियत बहुत है हमारी ज़िंदगी में, कि कोई भी काम, अगर कोई भी तकलीफ़, खासकर अगर आपको कुछ काम करने से, एग्जर्शन से होती है, तो ये मोस्टली हार्ट की एक प्रॉब्लम होती है। अगर आपका सांस फूल रहा है चलने से, हार्ट या लंग्स, मोस्टली यही होता है। कुछ और भी कारण है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट मोस्टली, तो ये आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, हमेशा किसी डॉक्टर से सलाह लें। खासकर जब दोनों तकलीफ़ें हो रही हैं, सांस भी फूल रहा है, छाती में दर्द भी हो रहा है, तो ये तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि आपको हार्ट डिजीज़ के बिल्कुल ये बड़े कॉमन लक्षण हैं, और किसी न किसी तरीके से आपको हार्ट डिजीज़ है या नहीं ये रूल आउट करना आपके लिए बिल्कुल लाजमी है। जी डॉक्टर साहब, आजकल युवाओं में भी चेस्ट पेन की जो शिकायत है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कई युवाओं का यह कहना होता है, कई लोगों की ये शिकायत होती है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम कर रहे होते हैं और अचानक से चेस्ट में किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, एक डेफिनेट जगह होती है जहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, 20-25 से उम्र के ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे वो मर्द हों या औरत हों, अगर आपको एक्सर्शनल चेस्ट पेन हो रहा है तो ये हार्ट प्रॉब्लम की निशानी हो सकती है, और डॉक्टरी सलाह, जांच बहुत ही ज़रूरी है। कई बार होता है क्या कि आप बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज करते हैं कई लोग, उसके बाद उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो भी आप इग्नोर ना करें। आप ये ना समझें कि ये तो कोई मसल पेन है, कोई मसल स्प्रेन हो गया है, किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बताएगा कि हाँ हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप समझें कि हाँ आपका मसल स्प्रेन हो गया और चेस्ट का मसल है, जैसे आप वेट लिफ्टिंग करते हैं। बट ये कई लोग हैं जिनकी जान चली गई है, बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज किया, घर आए, तकलीफ होने लगी, उसको इग्नोर किया और जान चली गई। अभी हाल में ही हमारे एक TV एक्टर थे जिनकी जान चली गई, बड़े जिमनाजी, बड़े मेहनती थे, जिम से लौटे थे, उसके बाद तकलीफ हुई और इग्नोर किया उसको, और उसी रात उनका देहांत हो गया। तो प्लीज़ किसी भी तरह का अगर आपको चेस्ट में तकलीफ हो रही है तो उसको इग्नोर ना करें, बिल्कुल ना करें। जी
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की बताई गई बातें आपने ठीक तरीके से सुनी और समझी होगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं और जवाब हम बहुत जल्द ऐसी एक वीडियो के जरिए आप तक अवश्य पहुँचाएंगे। धन्यवाद।